गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं रवि कुमार सक्सेना, आपका अपना प्यारे चैनल नंबर वन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जो है हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉपिक माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, ठीक है। तो बेसिक फिजिक्स में SBT सिलेबस बिहार का डिप्लोमा का उसमें जो है पहला यूनिट का नाम है मेजरमेंट, ठीक है। उस मेजरमेंट में जो है आपको पढ़ना है इम्पॉर्टेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। सम इम्पॉर्टेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ना है। तो लास्ट क्लास में जो है हमने आपको बताया था वर्नियर कैलिपर के बारे में, ठीक है। अब हम बताने जा रहे हैं माइक्रोमीटर स्क्रू गेज के बारे में, ठीक है। तो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज जो है ये क्लास मेरा जो है थ्योरी विद प्रैक्टिकल रहेगा, ठीक है। थ्योरी के साथ साथ जो है प्रैक्टिकल भी आपको करके दिखाएंगे, ठीक है। तो मेरे पास जो है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज है, ठीक है। आपके लिए जो है हमने लेकर आया है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, ठीक है। तो देखिए ये बॉक्स है, यहाँ पर लिखा हुआ है आउटसाइड माइक्रोमीटर्स, ठीक है। उसके बाद रेचर लिखा हुआ है, स्पेशल फॉर फोर्ज फ्रेम लिखा हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ है क्रोम फिनिश्ड, उसके बाद एडजस्टमेंट स्क्रू, ठीक है। उसके बाद जो है ये आपका लिखा हुआ है एडजस्ट द स्क्रू इन द केस ऑफ एरर, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, डायरेक्शन दिया हुआ है, ठीक है। ये जो है आपका हो गया माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। तो इसको हम निकालते हैं, निकाल कर देखते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, ये आपका हो गया माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, ठीक है। और इसका जो है डायग्राम जो है आपको जो है स्लाइड पर भी दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। हम आपको हर हाल में जो है मेरा यही उद्देश्य है कि आपको हर हाल में किसी ना किसी रीति से आपको 100% आपको समझा दें, ठीक है। इसीलिए जो है हमने जो है पढ़ाने के साथ साथ जो है हमने जो है इंस्ट्रूमेंट भी लेकर आया है, ठीक है, ताकि आपको जो है दिखा कर आपको किसी तरह समझाना मेरा उद्देश्य है, ठीक है। मेरा पहला उद्देश्य है, प्राइमरी जो है मेरा फोकस है कि 100% स्टूडेंट को समझ में आना है, चाहे वो तेज हो चाहे वो कमजोर हो, ठीक है। तो ये वो आपका हो गया माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, ठीक है। तो इसका सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन को देखेंगे, कंस्ट्रक्शन क्या है, उसके बाद हम जो है इसको हम कैसे जो है वर्किंग प्रिंसिपल क्या है उसको हम देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो है इसका कंस्ट्रक्शन ध्यान दीजिए, यहां पर लिखा हुआ है फ्रेम, ठीक है। तो यहां पर जो है फ्रेम जो है आपको यू टाइप में दिखता होगा, ठीक है। ये आपका हो गया फ्रेम, ठीक है। यह है आपका फ्रेम, ठीक है। ये जो इस तरह से आपका दिख रहा है यू टाइप में, ये क्या है, फ्रेम है, ठीक है। ये यू टाइप में जो दिख रहा है आपको फ्रेम है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो है आपको इस तरह से दिख रहा है, ये है फ्रेम, हो गया। अब ध्यान दीजिए, ये जो है उसके बाद जो है मेरा यहाँ पर और यहाँ पर, मतलब कि ये जो है आपका एनविल है, क्या है, एनविल है, ठीक है। तो एनविल जो है हमेशा जो है फिक्स रहता है, एनविल क्या रहता है, फिक्स रहता है। उसके बाद जो है स्पिंडल है, क्या है, स्पिंडल है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, स्पिंडल जो है वो रोटेट कर सकता है, स्पिंडल जो है मूव कर सकता है, ठीक है। जब हम इसको इस तरह से कर रहे हैं तो स्पिंडल जो है आगे पीछे हो रहा है, ठीक है, आगे पीछे हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका स्पिंडल है, समझ में आ गया। चलिए उसके बाद जो है यहाँ पर जो है सीव है, ये आपका सीव है, ठीक है। तो सीव में क्या है मेरा, देखिए ये जो है सीव है, ठीक है। तो सीव में जो है रीडिंग दिया हुआ रहता है, सीव में भी रीडिंग दिया हुआ रहता है। एक जो है मेन स्केल रीडिंग हो जाएगा आपका, एक सर्कुलर स्केल रीडिंग हो जाएगा, ठीक है। तो ये सीव हो गया। उसके बाद ये थिम्बल है, ठीक है। तो थिम्बल क्या हो गया, ये आपका हो गया, ठीक है। जो ये जो मोटा वाला दिख रहा है ना, ये आपका क्या है, थिम्बल है, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है रैचेट, ठीक है। तो रैचेट को जो है एडजस्टमेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं। रैचेट का हम इस्तेमाल क्यों करते हैं, एडजस्टमेंट के लिए। देखिए इस तरह से आवाज आने लगेगा, ठीक है। जब ये लॉक हो जाएगा तो आवाज करना शुरू कर जाएगा, ठीक है। तो इसको हम देखिए आवाज करने लगा, तो ये हो गया रैचेट, ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिए, अब जो है आपको कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया, ठीक है। सबसे पहले जो है हमने आपको बताया फ्रेम के बारे में, ठीक है। ये आपका फ्रेम हो गया। उसके बाद एनविल जो कि फिक्स्ड रहता है, ठीक है। उसके बाद जो है स्पिंडल जो कि रोटेट करता है, मतलब मूव कर सकता है, स्पिंडल जो है मूव कर सकता है, ठीक है। उसके बाद सीव हो गया, उसके बाद थिम्बल हो गया, रैचेट हो गया। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले जो है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर में क्या अंतर है, ठीक है, ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था माइक्रोमीटर, सॉरी लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था वर्नियर कैलिपर के बारे में, आज हम बता रहे हैं माइक्रोमीटर स्क्रू गेज के बारे में। तो दोनों में पहले डिफरेंस को समझ लीजिए, ठीक है। तो वर्नियर कैलिपर जो हम लोग क्यों यूज करते थे, तो वर्नियर कैलिपर का यूज जो है हम लोग लेंथ
ब्रीथ हाइट, तीनों चीज़ को हम लोग मेजरमेंट करने के लिए यूज़ करते थे, ठीक है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों चीज़ को हम मेजर कर सकते हैं वर्नियर कैलिपर के द्वारा, लेकिन इसके द्वारा जो है हम केवल डायामीटर को ही मेजर कर सकते हैं। क्या मेजर कर सकते हैं? ओनली डायामीटर, ठीक है। आप ध्यान दीजिए, तो ये इतना जो है मतलब इतना छोटा डायमीटर को भी हम मेजर कर सकते हैं कि आप जो है सोच भी नहीं सकते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई वायर है, ठीक है, वायर है, मान लीजिए चार्जर का वायर, चाहे इलेक्ट्रिक वायर, चाहे जो है आप अपना जो आपका जो हेयर है उसका भी जो है डायमीटर को आप मेजर कर सकते हैं, ठीक है। हेयर के भी जो है डायमीटर को मेजर कर सकते हैं इसके द्वारा, ठीक है। तो मान लीजिए आपके पास जो है, ध्यान दीजिए, आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मान लीजिए मेरे पास जो है एक चार्जर का केबल है, ठीक है, चार्जर का केबल है। अब जो है हमें इसका जो है डायमीटर मेजर करना है, इस वायर का डायमीटर मेजर करना है, कितना जो है डायमीटर है, ठीक है। तो इसको तो हम नॉर्मल स्केल से मेजर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल स्केल से तो हम इसका लेंथ को मेजर कर सकते हैं, ठीक है, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ना। इसलिए इसके लिए जो है हम यूज करते हैं माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, ठीक है, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। तो हम माइक्रोमीटर स्क्रू गेज में क्या करते हैं, इसको जो है हम यहाँ पर लाते हैं और इसको जो है हम इस तरह से जो है होल्ड कर देते हैं। उसके बाद जो है ये रीडिंग लेते हैं, मेन स्केल रीडिंग लेते हैं, उसके बाद जो है सर्कुलर स्केल रीडिंग लेते हैं, और उसके बाद जो है फार्मूला जो है सेम जो है उसी तरह से रहेगा, केवल यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट। तो इसका भी लिस्ट काउंट अलग होता है, ठीक है। जिस प्रकार से वर्नियर कैलिपर का हमने जो है लिस्ट काउंट बताया था, उसी तरह से माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का भी अलग लिस्ट काउंट का फार्मूला होता है, जो कि हम आगे बताएंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, अगर आप जो है मैकेनिकल इंजीनियर हैं, ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियर हैं, अगर आपको जो है जॉब लगता है किसी कंपनी में, क्वालिटी इंस्पेक्शन कंपनी में, ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल एंड इंस्पेक्शन कंपनी में जो है आपको जॉब लगता है, ठीक है, मतलब मेट्रोलॉजी कंपनी में अगर आपको जॉब लगता है, या क्वालिटी कंट्रोल MQC जो होता है, ठीक है, मेट्रोलॉजी एंड क्वालिटी कंट्रोल, ये जो है कंपनी में अगर आपको जो है जॉब मिल जाता है, तो आपको हाथ में जो है दिया जाएगा वर्नियर कैलिपर एंड माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, ठीक है। तो दिन भर आपको जो है आप लोग को जो है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज को लेकर और वर्नियर कैलिपर को लेकर जो है आपको जो है मेजर करना है सब ऑब्जेक्ट का डायमीटर, उसके बाद जो है लेंथ ब्रेथ हाइट जो भी मेजर करना है ये आपको दिया जाता है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इंजीनियर के लिए, क्योंकि इंजीनियर के लिए जो है ये जो है एक इम्पॉर्टेंट जो है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, ना केवल इंजीनियर के लिए ही, जो है मेजर करते हैं हम जो डायमीटर को मेजर करते हैं या लेंथ ब्रेथ को मेजर करते हैं, उसके लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जो है इंस्ट्रूमेंट माना जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे स्लाइड में जाएंगे, ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में आएंगे। ये जो है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज के बारे में थोड़ा सा जो है इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, ठीक है। ये स्क्रू पिच गेज ऑल्सो नोन एज माइक्रोमीटर प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट, इट इज़ यूज फॉर मेजरिंग द डायमीटर ऑफ ए सर्कुलर ऑब्जेक्ट मोस्टली वायर विद इन द एक्यूरेसी ऑफ 0.001 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर जो है हम आपको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आपको नहीं अच्छा रीति से दिख रहा होगा तो, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है इट इज़ यूज फॉर मेजरिंग द डायमीटर ऑफ सर्कुलर ऑब्जेक्ट, ठीक है, इससे जो है हम सर्कुलर ऑब्जेक्ट का ही जो है डायमीटर को मेजर कर सकते हैं, मोस्टली वायर, ठीक है, विद इन एन एक्यूरेसी ऑफ 0.001 सेंटीमीटर तक जो है हम एक्यूरेट मेजर कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, समझ में आ गया। इट कंसिस्ट ऑफ ए हॉलो सिलेंडर माउंटेड ऑन ए यू फ्रेम, द हॉलो सिलेंडर लीड्स टू द रैचेट विच इज मिंट फॉर द फाइन एडजस्टमेंट, ठीक है। रैचेट का क्या काम है, एडजस्टमेंट को जो है फाइन एडजस्टमेंट को जो है करने के लिए, ठीक है। ये देखिए हॉलो सिलेंडर है, उसके बाद जो है यहाँ पर रैचेट लगा हुआ है फॉर द फाइन एडजस्टमेंट। द यू फ्रेम कंसिस्ट ऑफ ए फ्लैट एंड नॉन एज स्टड एंड ए स्क्रू ऑन द अदर साइड, दिस स्क्रू कैन बी मूव्ड इन साइड द नट बाय द फिटेड इन द यू थम्बिल, ठीक है, थम्बिल, दिस इज कॉल्ड द मेन स्केल। द हॉलो सिलेंडर और द थिम्बिल इज ए ग्रेजुएटेड इन टू 50 or 100 इक्वल पार्ट्स, दिस इज कॉल्ड द सर्कुलर स्केल, ठीक है। तो कभी कभी जो है ध्यान दीजिए, किसी में जो है 100 दिया रहता है, किसी में जो है 50 ही दिया रहता है, ठीक है। तो अलग अलग जो है कंपनी जो है अलग अलग जो है डिज़ाइन को बनाते हैं, ठीक है। हमने आपको जो है जिस प्रकार से माइक्रोमीटर जो है, जिस प्रकार से आपको वर्नियर स्केल के बारे में हम बताए थे कि अलग अलग कंपनी जो है अलग अलग डायमीटर को बनाते हैं, चाहे
एक ही कंपनी जो है अलग अलग डायमीटर को जो है बनाते हैं, ताकि जो है हम अलग अलग चीज़ को भी मेजर करने में, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा मेजर करने में हमें आसानी हो। ठीक है, ये बात आपको समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ ए यू फ्रेम फिटेड विद द स्क्रू स्पिंडल विच इज़ अटैच्ड टू द थिम्बल। ठीक है, ये आपका जो है कंस्ट्रक्शन आपका ख़त्म हो चुका है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? तो वर्किंग प्रिंसिपल जो है, सबसे पहले आपको जो है वर्किंग प्रिंसिपल समझ में आना चाहिए। तो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज वर्क्स ऑन द सिंपल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्टिंग ए स्मॉल डिस्टेंस इनटू लार्ज वंस बाय मेजरिंग द रोटेशन ऑफ द स्क्रू। दिस स्क्रू प्रिंसिपल फैसिलिट द रीडिंग ऑफ अ स्मॉलर डिस्टेंस ऑन ए स्केल आफ्टर एम्पलीफाइंग देम। ठीक है, ये आपका हो गया। ठीक है, आप ध्यान दीजिए, इसको जो है सबसे पहले हम कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए ऑब्जेक्ट को हम इसमें रखते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमने वायर को रखा, उसके बाद जो है हम इसको जो है क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। ठीक है, क्लोज करेंगे, उसके बाद जो है हम मेन स्केल रीडिंग को देखते हैं। ठीक है, मेन स्केल रीडिंग को हम देखते हैं। डायग्राम में आप समझने की कोशिश कीजिए, देखिए यहाँ पर जो है मेन स्केल रीडिंग को हम देखेंगे। ठीक है, मेन स्केल रीडिंग देखने के बाद सबसे पहले यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट को रखेंगे, वो ऑब्जेक्ट जो है सर्कुलर होगा। ठीक है, क्योंकि हमें डायमीटर फाइंड करना है, तो डायमीटर हम किसका फाइंड करते हैं, सर्कुलर ऑब्जेक्ट का। तो सर्कुलर ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर रखेंगे, उसके बाद जो है इस रैचेट को जो है हम घुमाएंगे। ठीक है, मान लीजिए हमने जो है सर्कुलर ऑब्जेक्ट रखा, उसके बाद जो है रैचेट को हम क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। जब रैचेट में आवाज़ आना शुरू हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर जब मान लीजिए बंद हो गया, तो रैचेट से जो है साउंड आना शुरू हो जाएगा, तो हम रुक जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पर हम मेन स्केल रीडिंग को ले लेंगे, और उसके बाद जो है सर्कुलर स्केल रीडिंग जिसके साथ मैच करेगा। ठीक है, यहाँ पर आपका जीरो लाइन है। ठीक है, ये जीरो लाइन है। ठीक है, ये जो मेन स्केल का जो लाइन है, और जो इसका मतलब सर्कुलर स्केल का जो लाइन है, वो जो है किसके साथ मैच कर रहा है। ठीक है, 55 के साथ मैच कर रहा है, 60 के साथ मैच कर रहा है, 65, 64, 62, 63, जिसके साथ मैच करेगा वो आपका हो जाएगा सर्कुलर स्केल रीडिंग, सर्कुलर स्केल रीडिंग। ठीक है, उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, इसका जो है लिस्ट काउंट हम निकाल देंगे। ठीक है, लिस्ट काउंट निकाल कर उसके बाद जो है हम मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद हम टोटल रीडिंग को निकाल सकते हैं। ठीक, चलिए तो अब हम प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं। ठीक है, जिस प्रकार से हमने शुरुआत में ही बोला था कि धीरज को रखिएगा, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी जाएगा। ठीक है, चिंता करने की जरूरत नहीं, हमने थ्योरी कवर कर दिया, अब हम प्रैक्टिकल करते हैं। तो SBT बिहार का जो डिप्लोमा का सिलेबस है, उसमें फर्स्ट ईयर में बेसिक फिजिक्स पढ़ना है, उसमें जो है दूसरा एक्सपेरिमेंट आपको पढ़ना है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज के बारे में। ठीक है, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज के बारे में, तो सबसे पहले जो है इसका एक्सपेरिमेंट का जो है एम क्या है। ठीक है, तो एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, टू मेजर द डायमेंशन ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग द स्क्रू गेज। ठीक है, स्क्रू गेज का मदद से हमें जो है किसी भी जो गिवन ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए वायर है, या आपका जो है कोई और वायर, कोई पतला वायर या मोटा वायर, जो भी आपका सर्कुलर जो ऑब्जेक्ट मिलेगा, उसका जो है हमें डायमीटर मेजर करना है, यही हमें एम है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम देखते हैं अपरेटस रिक्वायर्ड। तो हमें जो है अपरेटस क्या क्या चाहिए, तो पहले हमें जो है स्क्रू गेज होना चाहिए। ठीक है, स्क्रू गेज आपके पास होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, स्क्रू गेज एंड सिलेंडर सॉलिड। ठीक है, तो मान लीजिए मेरे पास स्क्रू गेज है। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट में हम कुछ भी ले सकते हैं, तो मेरे पास एक पेन है। ठीक है, तो पेन जो है ये सिलेंडर है। ठीक है, ये सिलेंडर टाइप का है, सिलेंडर सॉलिड है, तो इसका हम डायमीटर भी मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में आपको दिया जाएगा। ठीक है, इसी तरह से मनमानी नहीं लेना है। ठीक है, मनमानी नहीं ले लेना है कि हम पेन को करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, नहीं, जो दिया जाएगा उसको हमें मेजर करना है। ठीक है, ये आपका हो गया अपरेटस, आपको ये चाहिए। ठीक है, ये नहीं रहेगा तो आप लैब को परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया। चलिए नेक्स्ट स्लाइड, थ्योरी क्या कहता है। तो सबसे पहले जो है थ्योरी क्या है, स्क्रू गेज इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोमीटर स्क्रू, हेंस इट इज कॉल्ड द स्क्रू गेज ऑफ माइक्रोमीटर। वैल्यू ऑफ वन लीनियर स्केल डिवीजन इक्वल टू 1 mm, सो पिच इक्वल टू 1 mm। ठीक है, तो आपका जो है 1 mm का जो है यहाँ पर पिच है। ठीक है, 1 mm का जो है पिच है, हर एक स्क्रू गेज में जो है अलग अलग होता है। ठीक है, उसके बाद जो है टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर इज 100। ठीक है, तो कोई ज़रूरी नहीं कि 100 होगा। ठीक है, हमारे लैब में जो है 100 वाला भी है, 50 वाला भी है। ठीक है, तो जो रहेगा वो आपको लिखना है। तो फिलहाल जो हम हाथ में लिए हैं उसका जो है 100 है। ठीक है, तो हमने जो यहाँ पर 100 लिखा है, कोई डाउट है नहीं। चलिए
नेक्स्ट है लिस्ट काउंट। तो लिस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या है, पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन। ठीक है, पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन। तो इसका पिच क्या है, तो देखिए पिच जो है 1 mm है। ठीक है, पिच इक्वल टू कितना है 1 mm। देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर, ये जो है आपको थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये आपका लिस्ट काउंट जो है इंपॉर्टेंट है। लिस्ट काउंट फॉर वर्नियर कैलिपर के हमने आपको बताया था। ठीक है, वन मेन स्केल रीडिंग डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। ठीक है, ये फार्मूला होता है वर्नियर कैलिपर के लिए। आपको माइक्रोमीटर स्क्रू गेज के लिए लिस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, पिच यानी कि पी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। तो पिच इसका कितना है, तो 1 mm है। ठीक है, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल कितना है, तो 100 है। तो 1 / 100 इक्वल टू 0.01 mm हो जाएगा। ठीक है, आपका ये 0.01 mm हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए प्रोसीजर है। ठीक है, तो प्रोसीजर को आप जो है पढ़ सकते हैं। ठीक है, प्रोसीजर जो है आप पढ़ सकते हैं। पहले क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट द पिच सर्कुलर यानी कि PSR एंड लिस्ट काउंट। ठीक है, सबसे पहले हमको PSR फाइंड करना है, पिच सर्कुलर स्केल रीडिंग फाइंड करना है, उसके बाद लिस्ट काउंट फाइंड करना है। ठीक है, देन वी हैव टू फाइंड द जीरो एरर। इसमें भी हमें आपको जो है जीरो एरर फाइंड करना है। जीरो एरर कैसे फाइंड करेंगे, तो आपका जो ये जो पिच है, मतलब कि ये आपका जो मेन स्केल है और जो सर्कुलर स्केल है, दोनों का जीरो जो है वो कोइंसाइड करना चाहिए। ठीक है, दोनों को जो है एक ही लाइन में होना चाहिए, तब जो है वो जीरो एरर होगा। अगर नहीं होगा तो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। अगर जीरो के यानी मेन स्केल का जो जीरो है, अगर वो उसके लेफ्ट साइड में चला जाएगा तो उसको हम बोलेंगे नेगेटिव एरर। अगर मेन स्केल के जीरो के राइट साइड में चला जाएगा तो उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव एरर। ये आपको हमने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था। ठीक है, उसके बाद बी इंसर्ट द सिलेंडर। ठीक है, वी इंसर्ट द सिलेंडर वर्क पीस बिटवीन द स्क्रू। आफ्टर दैट वी मूव द स्क्रू फॉरवर्ड बाय रोटेटिंग द रैचेट टिल द सिलेंडर वर्क पीस वास ग्रिप्ड बिटवीन द स्क्रू एंड रैचेट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट को रख कर इस रैचेट को जो है घुमाएंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है वी इंसर्ट द सिलेंड्रिकल वर्क पीस। ठीक है, हम जो है सिलेंड्रिकल वर्क पीस रखेंगे बिटवीन द स्क्रू। आफ्टर दैट वी मूव द स्क्रू फॉरवर्ड बाय रोटेटिंग द रैचेट टिल द सिलेंडर वर्क पीस वॉज ग्रिप्ड बिटवीन द स्क्रू एंड स्टड। तो हमें जो है कैसे पता चलेगा कि ये जो है अच्छी रीति से पकड़ लिया है, तो यहाँ पर आवाज़ करने लगेगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, वी रिकॉर्ड द रीडिंग ऑन मेन स्केल एंड द सर्कुलर स्केल। अब हम क्या करेंगे, मेन स्केल रीडिंग को यानी कि यहाँ पर कितना आया, अगर 5 mm आया तो 5 लिखेंगे, 2 mm तो 2 लिखेंगे, 3 mm तो 3, 1 mm तो 1। ठीक है, ये हम लिखेंगे। अब उसके बाद वी रिकॉर्ड द रीडिंग ऑन मेन स्केल एंड सर्कुलर स्केल। ठीक है, फिर सर्कुलर स्केल के रीडिंग को हम लोग लिखेंगे, 80 आया, 70 आया, 75 आया, 50 आया, जो भी आया उसको लिखेंगे। देन वी फाइंड द ऑब्जर्व डायमीटर ऑफ सिलेंडर। ठीक है, उसके बाद जो हम डायमीटर का जो है जो सिलेंडर है उसका हम डायमीटर को फाइंड कर लेंगे। अब ध्यान दीजिए, वी रिपीट स्टेप 3 and 4 फॉर द 5 more पोजिशन। ठीक है, स्टेप 3 यानी कि 1st, 2nd, 3rd यानी कि इस स्टेप को जो है हम लोग जो है इसको 3 से 4 बार जो है हम लोग करेंगे। ठीक है, 4 या 5 बार हम लोग करेंगे, जितना बार कीजिएगा उतना ही जो है परफेक्ट आपका आंसर आएगा। ठीक है, वी रिपीट द स्टेप 3 and 4 फॉर द मोर पोजिशन। 3 और 4 को जो है बार बार हम रिपीट करते चलेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, वी टेक द मीन डायमीटर एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, तो मीन डायमीटर कैसे निकालेंगे, मान लीजिए आपका जो है 5 वैल्यू आया। ठीक है, मान लीजिए आपका वैल्यू आया 2, 3, 4, 5, 6, तो 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, ये आपका 5 रीडिंग आया। अब जो है लास्ट में हमें 1 रीडिंग निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे, 2, 3, 5, 5, 4, 9, 9, 5, 14, 14 और 6 तो ये हो जाएगा 20। ठीक है, फिर से जोड़ दीजिए, 3, 2, 2, 3, 5, 5, 4, 9, 9, 5, 14। ठीक है, उसके बाद 14 और 6, 20, तो 20 / कितना नंबर है, तो 5 है, यानी कि आपका ये जो है 4 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से हम एक एग्जांपल दे रहे हैं आपको, आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड देखिए, उसके बाद जो है आपका ऑब्जर्वेशन टेबल है डायमीटर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमने जो यहाँ पर 6 रीडिंग लिया है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले MSR निकालेंगे, मेन स्केल रीडिंग। ठीक है, उसके बाद PSR निकालेंगे। PSR क्या होता है,
सर्कुलर स्केल रीडिंग, CSR बोल सकते हैं या पिच स्केल रीडिंग, ठीक है। यहाँ CSR को हम लोग PSR भी बोल सकते हैं या CSR बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे PSR को, ठीक है। जो सर्कुलर स्केल रीडिंग आएगा या पिच स्केल रीडिंग आएगा उसको जो है लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा आपका A, तो टोटल रीडिंग कितना हो जाएगा, तो A+B, ठीक है। A+B सबके लिए जोड़ देंगे। यहाँ जो वैल्यू आएगा उसको जो है करने के बाद जो है जितना नंबर है यहाँ पर, अगर हम 6 आइट्रेशन ले रहे हैं तो 6 से जो है डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इस तरह से लास्ट में जो है आप जो है यानी कि यहाँ पर जो है प्रिकर्सन देखिए, ठीक है। लास्ट में जो है आप रीडिंग को लिख सकते हैं, उससे पहले जो है प्रिकर्सन है, ठीक है। लैब में हमें जो है कुछ सावधानियाँ बरतना पड़ता है, उसको भी आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले प्रिकर्सन क्या है, चेक द फंक्शन ऑफ रैचेट, ठीक है। रैचेट का जो है फंक्शन को चेक करना है, रैचेट अच्छी रीति से काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है। ये जो किनारे में जो आपको दिख रहा है, तो रैचेट को जो है चेक करना है, ठीक है। उसके बाद जो है चेक द फ्री मूवमेंट ऑफ स्क्रू इन स्क्रू गेज, ठीक है। स्क्रू गेज में जो है स्क्रू आपका फ्री मूवमेंट कर रहा है कि नहीं, बहुत सारा जो है जंग लगने के कारण, कोरोजन के चलते जो है जंग पकड़ लेता है तो अच्छा से मूव नहीं करता है, तो इसको चेक करना है मूवमेंट अच्छा से हो रहा है कि नहीं, ठीक है। ये प्रिकर्सन है। तीसरा क्या है, जीरो एरर शुड बी ऑलवेज टेकन इनटू द अकाउंट, ठीक है। जब तक जीरो एरर ना आवे तब तक जो है उसको अपने जो है लैब मैनुअल पर नहीं लिखना है, ठीक है। क्योंकि अगर जीरो एरर नहीं आएगा तो आपका जो है आंसर गलत आ जाएगा, आपका मेजरमेंट जो है गलत हो सकता है, ठीक है। तो जीरो एरर पहले चेक करना है, ठीक है। उसके बाद एरर ड्यू टू पैरेलल शुड बी अवॉइडेड, ठीक है। तो यहाँ पर जो है पैरेलल मतलब कि कभी कभी जो है हम जो है टेढ़ा मेढ़ा रख देते हैं ऑब्जेक्ट को, तो ये भी नहीं होना चाहिए, ऑब्जेक्ट जो है सीधा होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका प्रिकर्सन है, सबसे पहले जो है फंक्शन ऑफ रैचेट को चेक करना है, उसके बाद जो है स्क्रू जो है जो आपका जो स्क्रू गेज है वो अच्छा से रोटेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है उसको चेक करना है, उसके बाद जो है जीरो एरर जो है हमेशा लेना है, ठीक है। ये आपका हो गया प्रिकर्सन। लास्ट में जो है हम रिजल्ट लिखेंगे, तो हमने जो है रिजल्ट यहाँ पर लिख दिए हैं क्योंकि जो है हम जो परफॉर्मेंस किए थे उसका रिजल्ट हम यहाँ पर लिखे हैं। मीन डायमीटर ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। तो ये हो गया 6.21 mm, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमने जो है एक्सपेरिमेंट 2 जो है जो आपका सिलेबस में है हमने जो है ये जो है आपका पूरा कर दिए, ठीक है। तो आज के क्लास में जो है हमने आपको बताया माइक्रोमीटर स्क्रू गेज के बारे में। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा आपको, क्योंकि अच्छा तो लगा होगा क्योंकि हम थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल भी किए, ठीक है। तो लाइक करना बनता है, ठीक है। लाइक नहीं करते हैं, अगर आप लाइक कर देते हैं तो मेरा हौसला बुलंद हो जाता है, ठीक है। क्योंकि मान लीजिए आपको टीचर अगर इंटरनल देते हैं तो आपका भी मन खुश हो जाता है, ठीक है। उसी तरह से हम लोग का ये आप लोग के लिए जो है ये इंटरनल हो गया, ठीक है। आप हमें कितना इंटरनल देते हैं, मान लीजिए हम जो है बच्चे लोग को 30 में 30 इंटरनल देते हैं, तो आप हमें बदले में क्या दे रहे हैं, तो एक लाइक दे दीजिए, ठीक है। क्योंकि ठीक है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर अच्छा लगा, तो चैनल को जो है बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं, धन्यवाद।